हेलो गाइस, जैसा कि हम सबका एनडीए का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया है, तो एनडीए का एग्ज़ाम कंडक्ट होते ही कुछ डाउट सबसे पहले कॉमन बनने लगते हैं। जैसे कि सबसे पहला डाउट आता है कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। साथ ही साथ इस वीडियो में आपके जो दो कॉमन क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे उनको डिस्कस करने वाला हूँ, डिटेल में बातें करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है कि क्या इस बार की कट ऑफ कम जाएगी बिकॉज ऑफ दो रीजंस, जैसे कि मैथ्स का लेवल हाई गया है इसके कारण। सेकंड रीज़न द गर्ल्स एंट्री, यानी कि गर्ल्स की एंट्री की वजह से क्या कट ऑफ कम जाएगी सभी की। सेकंड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जा रहा है खास करके गर्ल्स की तरफ से, कि क्या गर्ल्स की कट ऑफ कम जाएगी या फिर गर्ल्स की कट ऑफ बॉयज़ की कट ऑफ से अलग जाएगी, इस पे वीडियो बताइए। तो इसके पे वीडियो लेके हम हाजिर हैं। आज के वीडियो के बाद आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन नाउ। हेलो गाइस, मैं हूं मयंक, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन मयंक पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों ने आंसर की तो मैच कर ही ली होगी, सभी का स्कोर आपका एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ स्कोर पता तो चल गया होगा कि इसके अराउंड मेरा स्कोर आ रहा है। तो कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नेवी, एसएसआर, डबल ए, एमआर, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, जेडी, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर आप परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कीजिए, या फिर आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक कीजिए और प्ले स्टोर पर जाइए और परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और टेस्ट सीरीज़ को बाय करते वक्त आप मेरा कूपन कोड जेन्युइन 50 यूज़ कर लेंगे तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए और टेस्ट सीरीज़ को लगाइए, जिससे आपको एग्ज़ाम में एक नया बूस्ट मिल सके। सो आते हैं वीडियो के टॉपिक पे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि आपने जो स्कोर मैच किया है वो एग्जैक्ट स्कोर नहीं है। अब ये कैसे बता सकता हूँ, यानी कि जैसे कि आपने स्कोर मान लो मैच किया है 350, ठीक है, 350 आपका स्कोर मैच करने के बाद आया आंसर की से। तो होता क्या है ना कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे यूपीएससी कुछ अलग उसका आंसर देती थे और कुछ टीचर्स उसका अलग आंसर दे देते हैं, या फिर जहां से भी आपने मैच किया हो तो वहां पे कुछ टीचर्स में जो कुछ आंसर होते हैं उनमें मिसमैच हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि आप प्लस माइनस 10 मान के चलिए, यानी कि प्लस 10 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं और 10 नंबर कम भी हो सकते हैं। तो यानी कि आपका जो अगर 350 स्कोर मैच करने पे आ रहा है तो आपका स्कोर 340 से लेके 360 के बीच कुछ भी अराउंड हो सकता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी स्कोर कैसे हमें एग्जैक्ट पता करना है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल कट ऑफ क्या जाती है एनडीए की एग्ज़ाम की, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ इस बार कम जाएगी या फिर गर्ल्स की एंट्री से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गर्ल्स जो एनडीए की जो कट ऑफ है वो 350 के अराउंड जाती है। जैसे लास्ट टाइम 355 गई थी, उससे पहले 346 गई थी, उसके पहले 342 गई थी, इस हिसाब से एनडीए की कट ऑफ जाती है। जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है इसी के अराउंड ही जाने वाली है। आप प्लस माइनस 10 कर सकते हैं, यानी कि 340 मैं तो कहता हूँ जिसके भी अगर 340 प्लस मार्क्स हैं तो वो एसएसबी के लिए प्रिपेयर करे और थोड़ा थोड़ा टाइम अपने रिटर्न के लिए दीजिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। बट अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से एसएसबी के लिए टाइम दीजिए। अगर 340 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप सभी लोग टाइम दीजिए, क्योंकि प्लस माइनस 10 चलता रहता है और अभी जो फाइनल डिसीजन आएगा उसके बाद ही कोई डिसीजन हो पाएगा। तो ये हो गया आपका 350 के अराउंड आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, प्लस माइनस 10 चलता रहेगा। और जो आपकी जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी आपकी 25% अराउंड जाती है। अब क्या ये 20% जाएगी मैथ्स के लिए, इस पर भी आगे बात करने वाले हैं, बट ये 25% यूजुअली जाती है। तो 25% मैथ्स की और 25% जीएटी की, यानी कि मैथ्स में जिसके 75 मार्क्स होंगे वही एलिजिबल होगा फिर मतलब कि सेकंड पेपर के लिए। तो अब आगे बात करते हैं कि क्या इस बार की कट ऑफ कम जाएगी। अब इस बार की कट ऑफ कम क्यों जाएगी, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन दो जगह से आया, यानी कि इसका पहला रीज़न है गर्ल्स एंट्री। तो गर्ल्स एंट्री पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो आई थिंक वैसे तो गर्ल्स के लिए अगर मेरे अकॉर्डिंग माने तो सभी की कट ऑफ थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम जानी चाहिए। जैसे कि मैथ्स का पेपर जो है काफ़ी टफ आया था, जो उसका लेवल काफ़ी हाई था, ज़्यादातर बच्चों का कम हुआ है। तो आई थिंक मेरा जो मानना है ये 20% कट ऑफ होनी चाहिए मैथ्स की, बट ये मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन व्यक्त कर रहा हूँ कि जैसे कि 20% होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स का लेवल देख के मुझे ऐसा लगा। बट यूपीएससी जो भी फाइनल डिसीजन करती है वही होगा। तो ये मेरा ओपिनियन है कि 20% जो यूजुअली 25% ही जाती है।
ये मैथ का हो गया। और जीएटी में आपका वैसे ही रहने वाला है 25%, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं वाली, पेपर वैसे भी अच्छा था जीएटी का, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो जो कट ऑफ है वो बॉयज़ की कट ऑफ पे तो मुझे नहीं लगता कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, बट जो गर्ल्स की कट ऑफ है अगर मेरे अकॉर्डिंग माने तो गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जानी चाहिए, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन यूपीएससी की तरफ से रिलीज़ किया गया है उसके बाद सिर्फ 45 डेज मिले थे, तो 45 डेज इज़ नॉट इनफ फॉर एनडीए प्रिपरेशन। तो एनडीए प्रिपरेशन के लिए काफ़ी कम टाइम होता है ये, तो गर्ल्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से। सो मैथ्स भी उनका अच्छा नहीं हुआ और मैथ्स का लेवल भी काफ़ी टफ आया था। तो अगर मेरा ओपिनियन माने तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी कुछ ऐसा कर सकती है गर्ल्स के लिए कि उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम कर दे, या फिर उनका जो मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ है वो कम कर दे, या फिर कुछ भी कर सकती है। बट वो कब आएगा, वो जो यूपीएससी है वो फाइनल डिसीजन अपने आप जब लेगी तभी आपको पता चलेगा। तो जैसे ही कोई अगर डिसीजन आता है तो आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो अगर आप मान सकते हैं कि, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका 330 या फिर 330 से कम स्कोर है तो आप बहुत कम टाइम दीजिए कि एसएसबी के लिए आप वेट कीजिए, आप अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कीजिए अगर आपकी एज लिमिट उसकी अगर रिगार्डिंग आती है तो। अगर इसको आपको नहीं पता है कि क्या एज लिमिट है नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तो मैंने चैनल पे विजिट कीजिए, वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रखा है तो आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो अभी तक गर्ल्स की कट ऑफ के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन अभी तक यूपीएससी की तरफ से नहीं आया है, तो जब तक कोई डिसीजन नहीं आ सकता है तो कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। बट ये है कि हो सकता है मे बी गर्ल्स के लिए कुछ यूपीएससी कर दे अलग से, बट वेट करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो अगर फिर भी आपके रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।